जो बात कभी अध्यक्ष महोदय कास्ट सेंसस की उठी थी, हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी, वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े ऑफिसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए, लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहाँ दोगुनी हो गई, और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि MSP लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहाँ तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए। जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर MSP का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने MSP का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी MSP को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी MSP देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ OPS की बात अभिभाषण में नहीं आई है, ओल्ड पेंशन